यूपी के बाद एमपी के भी कई जिलों में वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर में करीब 1000 बच्चे वायरल फीवर से बीमार हैं। ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्थिति ये हो गई है कि शहर में लगभग 1000 से भी ज्यादा बच्चे वायरल के बुखार की चपेट में हैं, जिनमें से अधिकतर बच्चे अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। इतनी ज्यादा संख्या में बच्चे बीमार होने के कारण अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से बच्चों के परिजन परेशान हैं। बहुत भीड़ है, वायरल के बच्चे आ रहे हैं, एक पलंग पर दो दो बच्चे हैं। हमें तो एक दिन बाद बेड मिल गया था, बेड एक दिन तो ऐसे ही निकल गया था। अभी वार्डों की स्थिति क्या है? अभी सभी बेडों पर दो दो बच्चे हैं और बच्चे आते जा रहे हैं। हाँ, डॉक्टर तो आ रहे हैं लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा, भीड़ बहुत है। चल, अब जो भी यहाँ के हॉस्पिटल के जो भी वो खाली पड़े हो, अगर जो भी रूम, तो उनमें होनी चाहिए व्यवस्था, नहीं तो नहीं होंगे खाली तो फिर अलग बात है। नई बिल्डिंगें वगैरह बनी है, उनमें भी शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ, हो रहा ना खांसी वगैरह, ऐसे जिन बच्चों को, उनसे दूसरे बच्चों को भी हो रही है। बच्चों के परिजनों में भी इस बात का डर है कि कहीं ये कोरोना की तीसरी लहर तो नहीं है, लेकिन हैरानी की बात है कि अभी तक स्वास्थ्य महकमा ये तक पता नहीं लगा पाया है कि बच्चे आखिर इतनी संख्या में बीमार कैसे पड़ रहे हैं। जिस तरह का मेरे को यूपी में किस तरह का वायरस फैला है, ये मुझे समाचार माध्यमों से पता चला है कि वहाँ कुछ बच्चों की मृत्यु भी हुई है, लेकिन मेरे यहाँ इस तरह का कोई मामला अभी संज्ञान में नहीं आया। रही बात लक्षणों की, तो वायरल फीवर के लक्षण करीब करीब एक जैसे मिलते, जो बुखार होगा, जुकाम होगा, खांसी होगी, इस तरह के सिम्टम आते हैं। अगर बच्चों में हाई ग्रेड फीवर हो जाता है तो कभी कभी उनको झटके वगैरह भी आने लगते हैं, वो फीवर चाहे किसी भी तरह से हो। और यदि इस तरह का कोई लक्षण सिमिलरिटी के आते हैं तो हमने, हमारे जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, चिकित्सक हैं, उनको बता दिया है कि यदि कहीं भी इस तरह की कोई चीज़ आती है तो उसका तत्काल उसकी जांच कराएं। हमारे पास वायरोलॉजी लैब है और उसमें बाकायदा हर तरह की जांच उपलब्ध है और वो हम करेंगे। फिलहाल डॉक्टर्स की माने तो ये वायरल फीवर 10 से 12 दिनों तक रहता है। ये पहले की तरह ही वायरल फीवर है, इसमें बुखार, सर्दी, खांसी जैसे लक्षण सामने आते हैं। ये फीवर आमतौर पर 10 से 12 दिनों तक चलता है।